मुंबई में एक्टर गोविंदा खुला की गोली। मुंबई पुलिस के मुताबिक गलती से उनके ही रिवॉल्वर से फायरिंग हुई, अस्पताल में भर्ती। गोविंदा ने ऑडियो जारी करके बोलाया, गलती से चल गई गोली, सबकी प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद। गुरु की कृपा की वजह से वो गोली लगी थी पर वो निकाल दी गई है। जानकारी के मुताबिक कोलकाता जाने की तैयारी कर रहे थे गोविंदा, तभी वे अपनी लाइसेंस रिवॉल्वर चेक कर रहे थे, उसी समय घुटने के पास गोली लग गई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जख्मी गोविंदा से फोन पर की बातचीत, जल्द स्वस्थ होने की कामना। अंतिम दौर में पहुंचा हरियाणा विधानसभा का चुनाव प्रचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4 बजे पलवल में करेंगे प्रचार। पलवल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को करेंगे संबोधित, बीजेपी के 9 प्रत्याशियों के लिए जनसमर्थन जुटाएंगे प्रधानमंत्री। आज मुंबई के दौरे पर होंगे गृहमंत्री अमित शाह, विधानसभा चुनाव से पहले रणनीति पर चर्चा। पार्टी के नेताओं के साथ सभी 36 सीटों पर तैयारियों को लेकर शाह करेंगे चर्चा, साथ ही नवी मुंबई में भी नेताओं कार्यकर्ताओं से करेंगे बातचीत। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर आज होगी महाविकास आघाड़ी की बैठक, सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा। जम्मू कश्मीर में तीसरे चरण के चुनाव का मतदान लगातार जारी, 7 जिलों की 40 सीटों पर मतदान जारी, 11 बजे तक 28% से ज्यादा मतदान। जम्मू डिवीजन की 24 और कश्मीर घाटी की 16 सीट पर होगा मतदान, 39,18,000 मतदाता करेंगे मताधिकार का इस्तेमाल। आखिरी चरण में 415 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला, 387 पुरुष 28 महिला उम्मीदवार। वोटिंग को लेकर मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह, सुबह से पोलिंग बूथों पर लंबी कतारें। 3 चरणों में हो रहा जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव, 8 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। जम्मू कश्मीर में मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम, जगह जगह तैनात किए गए जवान। संसद हमले का मास्टरमाइंड अफजल गुरु के बड़ा भाई एजाज अहमद गुरु भी चुनावी मैदान में। नॉर्थ कश्मीर की लंगेट सीट से इंजीनियर राशिद के भाई खुर्शीद अहमद शेख लड़ रहा है चुनाव। जम्मू में मतदान से पहले मां काली मंदिर के दरबार में पहुंचे बीजेपी प्रत्याशी अरविंद गुप्ता, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। जम्मू में बीजेपी प्रत्याशी विक्रम रंधावा ने मतदान के लिए जाने से पहले माता काली में मंदिर में दर्शन पूजन की, मत्था टेका। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने किया ट्वीट, लिखा लोकतंत्र के उत्सव को सफल बनाए आगे आए। प्रधानमंत्री मोदी ने की युवाओं से अपील, का युवा और फर्स्ट टाइम वोटर भागीदारी निभाए। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने भी ट्वीट किया, लिखा एक वोट आपकी किस्मत बदल सकता है और एक उज्जवल भविष्य की शुरुआत कर सकता है। गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के युवाओं से की अपील, लिखा सुरक्षा शांति और स्थिरता के लिए मतदान करें। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा ने किया ट्वीट, लिखा लोकतंत्र के लिए, अपने अधिकारों के लिए, रोजी रोटी के लिए और अपने राज्य में शासन के लिए भारी से भारी मात्रा में मतदान करें। जम्मू के केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने मतदान किया, परिवार संग बूथ पर नजर आए। जम्मू के आरएसपुरा में बड़ी संख्या में बूथों पर पहुंच रहे मतदाता, बीजेपी उम्मीदवार निपेंद्र सिंह ने डाला वोट। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के चेयरपर्सन गुलाम नबी आजाद का बयान, जिनकी शिकायत थी कि चुनाव नहीं होते थे, अब वे आगे आकर वोट डाले। कुपवाड़ा में इंजीनियर राशिद ने डाला वोट, उनके भाई लंगेट विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में। जम्मू में वाल्मीकि समाज के सदस्यों ने भी किया मतदान, पहली बार वोट डाला। दिल्ली की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने की दिशा में दूसरे दिन भी सड़क पर उतरी आम आदमी पार्टी सरकार, मुख्यमंत्री आतिशी से लेकर विधायक तक निरीक्षण में जुटे।
आतिशी ने बीजेपी पर साधा निशाना कहा, बीजेपी दिल्ली सरकार के काम को रोकना चाह रही है लेकिन 2 से 3 दिनों में सभी सड़कों के गड्ढे मुक्त हो जाएंगे। और आज से सारे विधायक भी अपने अपने एरिया में निरीक्षण की शुरुआत कर रहे हैं और इस निरीक्षण के आधार पर आने वाले 2 से 3 दिनों में हर जगह सड़कें ठीक करने का काम शुरू हो जाएगा। दिल्ली मंत्री गोपाल राय ने भी गोकुलपुर इलाके की सड़कों का निरीक्षण किया, बोले जल्द सड़कों को सुधारने का काम होगा शुरू। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज और नेता मनीष सिसोदिया ने अलकनंदा क्षेत्र में सड़कों का दौरा किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाढ़ प्रभावित इलाके का हवाई सर्वेक्षण उन्होंने किया, जल संसाधन विभाग मंत्री विजय चौधरी भी मौजूद रहे। बिहार में बाढ़ को लेकर बोले डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, कहा बहुत सालों के बाद ऐसी स्थिति बनी है। हम पूरी तैयारी कर रहे हैं, इसलिए सरकार पूरी सजगता से गंभीरता से लगी हुई है, पूरी तरह से जहां जरूरत होगा हम लोग तैयार बैठे हैं। दरभंगा में सांसद पप्पू यादव ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद देने का भरोसा। सहरसा में बाढ़ प्रभावित इलाके का केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी दौरा किया, बाढ़ पीड़ितों के बीच बांटे राहत सामग्री। बिहार में बाढ़ ने मचाई तबाही, मुजफ्फरपुर दरभंगा सीतामढ़ी मधुबनी सहरसा में कई गांव जलमग्न। कोसी गंडक महानंदा बागमती सहित अन्य नदियों का लगातार बढ़ रहा है जलस्तर, कई जगह बांध टूट गए। मुजफ्फरपुर में बाढ़ से कई गांव प्रभावित, लोगों ने की राहत पाने के लिए बाढ़ के पानी को पूजा। बाढ़ पीड़ित महिलाओं ने कहा बाढ़ को मनाने के लिए आरती उतार की गई है। मुजफ्फरपुर में बाढ़ को लेकर प्रशासन सख्त, बाढ़ प्रभावित इलाकों में प्रशासन उपलब्ध करा रहा है चिकित्सा समेत तमाम सुविधाएं। नेपाल में भारी बारिश के बाद बगहा के कई गांव बाढ़ की चपेट में, गंडक बराज से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण लगातार बेकाबू हालात। बाढ़ के कारण बगहा में जनजीवन बुरी तरीके से अस्त व्यस्त, प्रशासन लगातार बचाव कार्य में जुटा। शिवहर में बागमती नदी पर बना तटबंध टूटने से भारी तबाही, कई गांव बाढ़ के पानी में डूब गए। बाढ़ में फंसे लोगों का प्रशासन कर रहा है रेस्क्यू, विभिन्न इलाकों में ले जाकर रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। दरभंगा में शिक्षा विभाग के अधिकारियों का खौफ साफ निकलकर नजर आया, कमर पर पानी में चलने को मजबूर शिक्षक नजर आए। बिहार के बेतिया में भी गंडक नदी में बाढ़ के चलते तटबंध टूट गया, कई गांव जलमग्न। बेतिया के उत्तरी पटजरवा, सूर्यपुर, दक्षिणी पटजरवा और तमाम इलाकों में बांध टूट गए। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बाढ़ से बिगड़ गए हालात, बाढ़ पीड़ितों तक पहुंचाई जा रही है राहत सामग्री। कांगड़ा के त्रिलोकपुर में भूस्खलन, PF4 सुरंग प्रवेश द्वार पर बंद। हैदराबाद में भी सुबह सुबह हुई झमाझम बारिश, लोगों को गर्मी से राहत।